नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि प्रीता को होगा अपनी गलती का एहसास और प्रीता एक बार फिर से अर्जुन से सॉरी बोलती हुई नजर आने वाली है। हालांकि बात की जाए तो अंजलि इस समय काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं कि आखिरकार किस तरीके से प्रीता ने अर्जुन के गाल पर एक तमाचा मार दिया। लेकिन दोस्तों अब मामले को धीरे धीरे ही सही लेकिन ठंडा करने की कोशिश कर रही है प्रीता, क्योंकि प्रीता को चारों तरफ से लोग ताने मारते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रीता ने हमेशा से ही इस परिवार की भलाई में काम किया है, लेकिन प्रीता को उस समय गुस्सा आ रहा था जब उसे लग रहा था कि जो एक्सीडेंट हुआ है ऋषभ का उसमें ज़रूर अर्जुन का हाथ है। लेकिन दोस्तों हाथ अर्जुन का नहीं था, ये बात अब इन लोगों को लग रहा है, लेकिन रियलिटी में अर्जुन का ही हाथ था। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा से ही इस परिवार की भलाई में ही काम किया है, इस परिवार की हर एक अच्छाई के लिए काम किया है शुरू से करण ने। लेकिन दोस्तों करण को लग रहा है कि मेरे साथ जो प्रीता और ऋषभ ने किया है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा गलत किया है और इस चीज़ के लिए मैं इन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा से ही ऋषभ और प्रीता में 36 का आंकड़ा रहा है और ऋषभ प्रीता एक दूसरे को कितना वो करते थे, लेकिन अब इस समय एक दूसरे के साथ हैं और आप लोग जानते हैं कि जल्द ही ऋषभ और प्रीता दोनों ही मिलकर करण को करने वाले हैं घर पर इनवाइट लंच के लिए। जी हाँ, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऋषभ और प्रीता कॉल करेंगे और बोलते हुए नजर आएंगे कि अर्जुन हमें खुशी होगी अगर तुम हमारे घर खाने पर आओ तो, हम आपका वेट करेंगे। जिसके बाद में पहले तो अंजलि मना करती है, फिर अंजलि बोलती है कि हाँ हमें इनके घर घुसना चाहिए और घर में घुसकर ही सब कुछ अपना बदला लेना चाहिए, क्योंकि बदला लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तभी ही बहुत कुछ पा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।